धन को किसी धर्म के कार्य में लगाने से धन पवित्र हो जाता है। डॉक्टर के पास नहीं जाता पवित्र धन, पवित्र धन को चोर चुरा कर नहीं ले जाते, बल्कि जिसके घर में धन पवित्र हो गया सोच लो उसके घर में तो मंगल कार्य होते हैं। तो आदरणीय रामचंद्र जी प्रजापति परिवार निश्चित रूप से उनके धन में धन पवित्र हो गया और निश्चित रूप से मंगल कार्य हो गया। और मन पवित्र हरि भजन से, भगवान के भजनों से मन का रंजन होता है। कीर्तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से कह गए संति सुजान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और देखो यहां इस प्राण सुंदर पावन पवित्र प्रांगण में सभी देव देवताओं को आमंत्रण करते हैं और इस धन को पवित्र करते हुए सभी देवताओं को यहाँ पर आगाज करते हैं, बुलाते हैं। एक सखी कह रही, देख सखी सब पड़ोस में सत्संग है, सभी देव देवता पधारेंगे, तू भी चल। तो इस मन रूपी सती से कह रही कि मन तू जहां भी भटक रहा है आज सत्संग में चल, सत्संग को सुन। कि चाल सखी चल हो सत संग चाला, सत संग मेरी सती गुरुवासी। चाल सखी चल सत संग चाला, सत संग मेरी सती गुरुवासी। हो सत संग सतगुरु आसी, हो सत्संग में शायब आसी। चल सखी चल सती सती चाला, सत्संग में सती गुरु आसी। गणपति आया, गणपति भगवान का आह्वान करते हैं प्रभु, रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर सत्संग में पधारे। और सत्संग में नहीं, यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं उनके घरों में भी रिद्धि सिद्धि के साथ हमेशा के लिए विराजे, ऐसी प्रार्थना गणपति भगवान से करते हैं। और सत्संग में रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर ही पधारे, सबको परिवार से आमंत्रण कर रहे हैं। सत्य संग मेरी सखी गणपति आया, इति सिद्धि ने संग ले आया। चाल सखी चली सती सखी चाला, सत संग में सती गुरु आसी। आया सखी विष्णु भी आया, सरस्वती ने संग ले आया।
भोले बाबा में बनावर माता गोरा के साथ हे डमरू बजा तारी शंकरी आया माँ गोरा ने संग ले आया चल सखी चल सत्संग चाला सत्संग में सतगुरु वासी लक्ष्मण आया अरे राम भी आया सखी लक्ष्मण आया संग सीता ने ले आया और जहां पर भगवान श्री राम का स्मरण होता है वहां तो अपने आप हनुमान जी महाराज का पहरा शुरू हो जाता है। बालाजी महाराज रुकने वाले थोड़े हैं। हे सत्संग मेरी बाला बजी रंगिया आया हो सत्संग मेरी बाला बजी रंगिया आया राम नाम रंग लागिया आया जान सखी जति सत्संग चाला सत्संग में सति गुरु वासी लोक देवता भी सत्संग में पधारे और देखो आज इस भक्तिमय गंगा जो आज यहाँ पर बड़ी तीर्थ स्थान में दूर दूर से भगवान सांवरिया सेठ के चरणों में आते हैं
और आज हम भी यहाँ पर हैं, हमारा भी सौभाग्य है, मंडल का भी सौभाग्य, आप सबका भी सौभाग्य। तो आज जो भक्ति की गंगा बहेगी इसमें मीठी मीठी डुबकियां लगाएंगे, और डुबकियां कैसे हैं, सच्ची दीवानी बनकर। देखो आप कैसे दीवाने, आज तो दीवाना, आज तो दीवाना, तो राम नाम रस पी ले रे दीवाना, हरि नाम रस पी ले रे दीवाना, हो जाए बेगुनाह वास रे। आज तू दीवाना कर तो राम नाम रस पीले रे दीवाना, हरि नाम रस पीले रे दीवाना, हो जाए बेगुनाह वास रे। पिता की सेवा कर ले दीवाना। देखो मैं हर सत्संग में कहता हूँ, आप रोज मंदिर जाओ, ठाकुर जी की सेवा करो, खूब दान करो, लेकिन हमारे घर में भी जो है भगवान है, उन घर के भगवान को कभी मत भूलना। और घर के भगवान है माता और पिता। इसके बारे में किसी संत ने कहा है कि संसार सागर है अगर, संसार सागर है अगर, तो माता पिता एक नाव है, जिसने की सेवा उनकी वो होता बेड़ा पार है। जिसने माता पिता की सेवा की है, माता पिता का आशीर्वाद लिया है, तो सोच लो उसके जीवन में आनंद बरसता है, उसके घर में लक्ष्मी दौड़ कर आती है, गणपति भगवान द्वितीय सिद्धि के साथ विराजते हैं। अरे माता पिता दो रोटी के लिए तरस रहे हैं, बेटे चार धाम की यात्रा कर रहे हैं। चाहे तुम चार धाम की यात्रा मत करो। किसी संत ने कहा है कि जब तक माता पिता जीवित हैं चार धाम की यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों कह गए? क्योंकि माता पिता की सेवा से ही चारों धाम का पुण्य मिल जाता है। कहीं मत जाओ, बस माता पिता की सेवा कर लो, वो पुण्य आपको मिल जाएगा। अरे माँ बाप को क्या चाहिए, तो मीठे बोल मिल जाए, सुबह शाम का भोजन मिल जाए, जिसमें ही माता पिता आशीर्वाद दे देते हैं। और जिसने माता पिता की आत्मा को दुखाया, माता पिता के दिल को रुलाया, तो सोच लो उसके जीवन में ठोकरे ही ठोकरे। चाहे कितना ही धन कमा लेंगे, लेकिन जीवन में सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद की ऐसी ऐसी शक्ति होती है जो जीवन में आनंद प्रदान करती है। इसलिए माता पिता की आत्मा को कभी मत दुखाओ। ऐसा नहीं हो तुम्हारी वजह से माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, और वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो माता पिता की सेवा करते हैं, और वो बड़े भागी हैं जिनके माता पिता जीवित हैं और खूब लगन से सेवा कर रहे हैं। इसलिए माता पिता की सेवा को मत छोड़ना, उनका सम्मान करना। कि जिसने दुखाई आत्मा, जिसने दुखाई आत्मा, वह डूबता मझधार है, माता पिता परमात्मा मिलते ना दूजी बार है,
माता पिता की सेवा करी रे दीवाना सत्य गुरुदेव की।